देश में संचार बंदी लागू होते ही सभी व्यापार ठप हो गए हैं। ऐसे में बाहर शहरों से आए तिहाड़ी मजदूरों पर मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। घबरा गए मजदूर अपने अपने गांव पैदल निकल पड़े हैं। मगर कहते हैं ना, किसी भी समस्या में कोई ना कोई मिल ही जाता है। नागपुर जिला के केलवत गांव वालों ने इन तिहाड़ी मजदूरों को सहारा दिया है, मगर इनके नेक काम में शासन के आदेशों का उल्लंघन भी किया जा रहा है। देखते हैं केलवत से हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जब से शहर में 21 दिन का लॉकडाउन शुरू हुआ तब से लेकर अब तक दिहाड़ी कामगार पैदल ही अपने घरों में जा रहे हैं। कई किलोमीटर का सफर करने के बाद पैदल पैदल वे अपने परिवार, अपने दोस्तों मित्रों के साथ अपने गांव जा रहे हैं। जैसे जैसे दिहाड़ी कामगार आगे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे जाँच एजेंसियां भी वहाँ पर मौजूद थी। केलवत के भीमराव बाबू देशमुख आदर्श विद्यालय केलवत में राजस्थान, उमरानाड़ा, दिल्ली, अमरवाड़ा, चौराई, छिंदवाड़ा, सिवनी, ग्वालियर, जबलपुर, हैदराबाद, इंदौर, उड़ीसा, बेंगलोर, चेन्नई, वारंगल आदि गांव के कई दिहाड़ी कामगार इस विद्यालय में पलायन करते समय रोके गए। आदर्श विद्यालय केलवत में जिस प्रकार से ये दिहाड़ी कामगार रखे गए, उनमें कोरोना वायरस के संक्रमण और भी तेजी से बढ़ सकते हैं, बशर्ते उन्हें अलग रहना होगा। मगर 100 के आसपास संख्या वाले ये दिहाड़ी कामगारों को अलग अलग जगहों रखे गए, अलग अलग रूमों में रखे गए, जिसके चलते कुछ रूम में काफी नजदीक नजदीक इन दिहाड़ी कामगारों को रखा गया, ऐसे देखा गया। अब तक शासन प्रशासन की ओर से केलवत में किसी भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से या केंद्र की ओर से इन दिहाड़ी कामगारों को जांच नहीं की गई, मगर स्कूल प्रबंधन की ओर से इन्हें खाना जरूर खिलाया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोरोना वायरस से संक्रमित कुछ दिहाड़ी कामगार हो सकते हैं जो अलग अलग शहरों से आए हुए हैं और अपने गांव की ओर जा रहे हैं। इस ओर शासन प्रशासन ध्यान दे, यही समय की मांग है। इस बारे में उधर देशमुख आदर्श विद्यालय केलवत के जो मुख्याध्यापक है, उन्होंने इनबीसीएन समक्ष जानकारी दी। दर्शकों, इस समय में हम केलवत उस गाँव में है जहाँ पे भीमराव देशमुख आदर्श विद्यालय में ये जो आप देख रहे हो मेरी भाई, और ये तमाम लोग जो है ये दिहाड़ी कामगार है जो नागपुर से अपनी गांव की ओर निकल चुके थे, इन्हें यहां पे रोका गया है और तकरीबन यहां पे 100 से अधिक संख्या में, बड़ी संख्या में यहां पे लोग आए हुए हैं जिन्हें यहां क्वारंटाइन किया गया है। देखना ये होगा, अब इनकी जांच होंगी, क्या कोरोना वायरस जिस प्रकार से अपने पाँव पसार रहा, कहीं इनमें भी कोरोना वायरस तो है नहीं, इसकी जाँच पड़ताल होना अभी बाकी है। इन लोगों का भी यहाँ पे बुलाया गया है, हम इनसे भी बात करना चाहते हैं। आप देख सकते कि छोटे छोटे बच्चे से लेके, ये छोटे बच्चे को अपने गोदी में उठा के नागपुर से ये लोग आए हुए हैं, भूखे पैसे भी दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम बातों को हम जानना चाहेंगे। कहाँ से आए भाई आप? हम नागपुर से आए जी। कहाँ जा रहे हो भाई? छिंदवाड़ा जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? क्योंकि अब यहाँ काम नहीं है, काम में आए थे तब काम नहीं मिल रहा है, इसे नागपुर घर चले। नागपुर में कौन सा काम करते थे? मजदूरी, जो कुछ काम मिल जाता। अब यहाँ किसने रोका आपको? यहाँ हमको सर लोगों ने रोका। क्यों रोका? कारण? अब कारण कि आप ये बीमारी की वजह से जांच करेंगे, इसलिए रोका। फिर अब आप जांच करना चाहते हो कि गांव जाना चाहते हो? गांव जाना चाहते सर। इस तरह के कई लोग हैं और भी लोग हैं, चलिए इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, आप कहाँ से आए, क्या कहना चाहोगे? नागपुर से आए। पूरा बताइए, आप कहाँ जा रहे हो, कितने लोग हैं? चौरे जा रहे हैं। खाना खाया? नहीं खाया। खाया सर, रास्ते में खाना बट रहा था, खाया आपने? हाँ। आपको पता है क्यों आपको रोका गया यहाँ पे? हाँ। क्या, क्यों रोका गया? जे घाम प्यास बीमारी कारण से। कोरोना नाम का एक महामारी है। हाँ जी। ये बड़े पैमाने पे फैला हुआ है। हाँ जी। इसलिए अभी आप लोगों की जांच हुई है? नहीं हुई। जांच होना अभी बाकी। आप देख सकते कि कई लोग यहाँ पे है, हर कोई बात करने के मूड में नहीं, क्योंकि वे अपने ही मूड में हैं। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ लोग हैं, थोड़ा मैं हमारे कैमरा पर्सन राजकुमार जी को मैं कहना चाहूँगा, राजकुमार आप थोड़ा सा पैन करके बताइए कि वहाँ जो लोग दिखाई दे रहे हैं, वहाँ ये वही आदर्श विद्यालय है जहाँ पे इन लोगों को वहाँ क्वारंटाइन किया गया है? जो लोग सुबह से यहाँ पे निकले थे, आखिरकार उन्हें यहाँ पे लाया गया है? ये देखिए, छोटे बच्चों से लेकर हर कोई यहाँ पे सब लाए, इनका सामान जो कि तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पुलिस से लेके तो तमाम जो स्वयंसेवी संस्था है, ये लोग तमाम दिखाई दे रहे हैं। इस समय में हमारे साथ में आदर्श विद्यालय जो है केलवत के, उनके जो मुख्याध्यापक है देशमुख जी हमारे साथ में। देशमुख साहब, ये बताएं कि जिस तरह से आज इन लोगों को क्वारंटाइन किया गया, कितनी संख्या में लोगों को यहाँ पे रखा गया, क्या कहना चाहोगे आप?
अभी तक कम से कम यहाँ से 600 से 700 लोग खाना खा के गए, पर बहुत समझाने के बाद भी उसमें से कोई भाग गए। जिनको समझ में आ रहा है कि जो सामने क्या पोजीशन है और ये कोरोना की क्या स्थिति है, वो लोग आज यहाँ है। आज अभी करीबन यहाँ पे आज 100 लोग है। यहाँ से कुछ वारंगल से आए, उनको राजस्थान जाना है, कुछ बंगलोर से आए वो भी राजस्थान वाले, कुछ चौराई जा रहे, कुछ छिंदवाड़ा जा रहे, कुछ अमरवाड़ा जा रहे, बहुत सारे से लोग है। अभी 10-15 मिनट पहले अभी जो लोग आए वो उनको देख के ऐसा आँख में पानी आ रहा था, कंधे पे बच्चा, ऊपर में बोरी, चलना नहीं हो रहा, छोटे छोटे चल रहे। अभी उनको 10-10 मिनट पहले हमको यहाँ बिठाया, उनको समझाया, उनको ये बताया आपको जाना तो जा सकते, मगर अभी बैठो या आराम करो, खाना खाओ, आपको जब तक रहना है यहाँ पे या शासन की तरफ से जब तक सीमा सील खुली नहीं होती जब तक छोड़ेंगे नहीं, आपको सब खाना वाना सब देंगे। अभी उनको छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चों को उनको बिस्किट और दूध दिया। अभी ये सब हाथ पैर धोएंगे, नहाएंगे, बाद में इनको हम खाना खिलाएंगे। बिल्कुल देशमुख जी, खाना तो आप जरूर खिला रहे हो, इसके लिए पूरी तरह से आप लोग तैयार हो, लेकिन जहाँ जांच की बात आती है, अब तक जांच नहीं हुई है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या आपको जो यहाँ की जो PSC होती है या स्वास्थ्य कुछ केंद्र होते हैं, क्या वे सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? ये दुर्दैव समझना चाहिए ये देश का कि इतनी बड़ी परिस्थिति, आने बाने की परिस्थिति अपने सामने आई हुई है। हम लोग, हमारे 20-25 दोस्त या गांव के एक दो स्वयं संस्था है, उन्होंने और ये मालीपुरी के जो एक एरिया हमारा मालीपुर ने शुरुआत किया था उन्होंने, बाद में हम सब अटैच हो गए, आज उसको बड़ा एक रूप आ गया है। तो ये होने का सबको मतलब आके गए, यहाँ SP आके गए, सब CID सेंटर के लोग आ गए, सब आके गए, मगर यहाँ हमारे जो PSC है उनको इन्फॉर्म किया, वो बोलते हैं हमारे साधन नहीं है, हम क्या करें, आते हैं सिर्फ पूछते हैं क्या हुआ, पैर दर्द दे रहे, क्या बुखार है, क्या सर दे रहा है, गोली देते, दूर से चले जाते। बीच में सॉरी वो सावनेर का जो सेंटर है वहाँ भी हमने उनको मालूम है, आके गए तो भी अभी तक किसी की 6 दिन हो गए, कोई भी जांच के लिए आया नहीं है। और शासकीय यंत्रणा कितनी सीरियसली ले रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि देखो अभी आज रामनवमी है, इनके अंडर में था या जो हमारे क्या बोलते हैं उसको मंडल अधिकारी है, आज अपना फोन स्विच ऑफ करके घर में बैठे, उनकी 24 घंटे ड्यूटी है, हम कर रहे करके खुले, पुलिस वाले आते हैं पूछते हैं सब ये कर रहे, तलाटी है दोनों, 2-3 तलाटी है वो भी हाजिर है आज भी, मगर उनको 4 दिन से बताया अभी ठीक हम कर रहे, कितना करेंगे, बाकी आर्थिक परिस्थिति का प्रॉब्लम आता है, सब चीज़ आती है, सिर्फ यहाँ तक अभी तक 2 पीपे तेल और 3 बोरे चावल और 2 बोरे गो, इतनी शासकीय मदद यहाँ सहायता आई है, इसके साथ कुछ सब हम कर रहे हैं। आज कुछ स्वयंसेवी संस्था आपको मदद कर रही है? कुछ स्वयंसेवी संस्था बोले तो पर्टिकुलर जो वैयक्तिक बोलते इसको पर्सनल, तो वो लोगों ने किसी ने बिस्कुट दिया, किसी ने दूध दिया, बस इतना है। अब कितनी संख्या में यहाँ पे दिहाड़ी कामगार है? लगभग यहाँ पे सभी दिहाड़ी का कामगार है। अभी यहाँ 98 आज के स्टेज में 98 अभी, उसमें से थोड़ी देर पहले कुछ चले गए, कुछ मान ही नहीं रहे तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। बिल्कुल, ये जो दर्द है ये बहुत बड़ा दर्द है, और जिस तरह से देशमुख ये जो यहाँ के जो मुख्याध्यापक हैं इन्होंने ये बताया है कि सरकार की ओर से बातें की जाती है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि सरकार जरूर ध्यान दे रही है। कई ऐसे ग्रामीण और देहाती ऐसे कई जगह है जहाँ पे जो स्वास्थ्य केंद्र है पूरी तरह से सुविधा दे रहे हैं, इसके लिए जिलाधिकारी भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, मगर अफसोस के हो सकता है कुछ ऐसे भी गाँव है जिस पर केलवदे गाँव है। जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे जी यदि ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हम उन्हें बताना चाहेंगे, या फिर यहाँ के सावनेर के जो विधायक है सुनील केदार, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि केलवत का ये वही आदर्श विद्यालय जहाँ पे क्वारंटाइन लोगों को किया गया, 100 के आसपास संख्या बताई गई, लेकिन भूखे पैसे लोग बैठे हैं, नागपुर से छोटे छोटे बच्चे अपने कंधों पर लेके लोग चले हैं, ऐसे में मैज उन्हें 2 बोरी यहाँ जो उन्होंने जिस प्रकार से ये जो बात बताई काफ़ी दर्द वाली बात है, क्योंकि उन्हें अभी तक कोई मदद सहयोग नहीं मिला है, मदद मिलना चाहिए।
तब का ये कामकाज होगा। और सबसे बड़ी बात है, खाना जरूर मिल जाएगा मगर जांच नहीं हो रही। कोरोना वायरस की जांच होना चाहिए, इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर राज्य सरकार के मुख्यमंत्री अपने उद्धव जी ठाकरे हो, उन्होंने जिस प्रकार से बताया कि लोगों की जाँच होना चाहिए पूरी तरह से, जो डॉक्टर और अस्पताल पूरी तरह से तैयार है मगर ग्रामीण इलाकों में आज भी सेवा नहीं मिल रही है, ये एक बहुत बड़ा दुर्दैव है। ऐसे आदर्श विद्यालय के जो मुख्याध्यापक है देशमुख, इनका कहना है इस ओर शासन प्रशासन ध्यान दे और जल्द से जल्द जितने जल्दी हो पाए इन लोगों तक अपनी सुविधा दे, पूरी हॉस्पिटलाइजेशन इनको कराए, मुहैया पूरा करवाए, खान पान की चीज़ें दे और दवा दारू भी दे ताकि ये लोग अच्छे से हो सके और कोरोना वायरस की रोकथाम हो सके। केलवत के आदर्श विद्यालय से कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ संजय मीरे, इन बी सी एन न्यूज़ नागपुर।